नमस्कार दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म के 18वें दिन की कथा। अध्याय 18 में वृंदा की भस्म से तुलसी और आंवले की उत्पत्ति। नारद जी बोले, हे राजन, वहां देवताओं द्वारा बोए हुए बीजों से 3 वनस्पति उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी की स्त्री सरस्वती के बीजों से धात्री यानी आंवला, लक्ष्मी जी के बीजों से मालती और गौरी के दिए हुए बीजों से तुलसी उत्पन्न हुई। ये ही क्रम के अनुसार रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण हुई। जब विष्णु ने विलास में स्त्री रूपी वनस्पति को वृंदा के रूप में देखा तो वे उठ बैठे। कामातुर विष्णु ने उन्हें प्रीति पूर्वक देखा तो तुलसी तथा धात्री ने भी विष्णु जी की ओर प्रेम से देखा। जो बीज लक्ष्मी ने ईर्ष्या करके दिया था, उससे उत्पन्न हुई स्त्री लक्ष्मी से ईर्ष्या करने लगी, अतः उसका अति निंदित बर्बरी नाम रखा। धात्री और तुलसी विष्णु को प्रीति देने के कारण प्रीति बढ़ाने वाली हुई। जब भगवान विष्णु उस दुख को भूल गए, तब देवताओं ने उन्हें नमस्कार किया। देवों द्वारा स्तुति करने पर विष्णु उन दोनों को संग लेकर वैकुंठ को गए। इसलिए कार्तिक के व्रत में तुलसी के वृक्ष के पास भगवान विष्णु का पूजन होता है। यही कारण है तुलसी विष्णु में प्रीति बढ़ाने वाली बनी। तुलसी वन सब पापों को हरने वाला है। जिस घर में तुलसी का वन होता है, वह घर भी तीर्थ स्वरूप है और कामों को देने वाला है। जो कोई इसको घर में लगाते हैं, वहां यमदूत नहीं आते और वे लोग यमराज के दर्शन भी नहीं करते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा स्नान तथा तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों समान फलदायक हैं। तुलसी के लगाने, पालने और जल देने तथा दर्शन और स्पर्श से मनुष्यों के वाणी, मन और शरीर से उत्पन्न हुए पाप भस्म हो जाते हैं। जो तुलसी की मंजरियों से भगवान विष्णु तथा शिव का पूजन करते हैं, वह मनुष्य गर्भ में नहीं आता है, निसंदेह वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। पुष्कर जैसे तीर्थ, गंगा जैसी नदी, वासुदेव जैसे देवता, ये सब तुलसी में निवास करते हैं। तुलसी की मूल रज अर्थात तुलसी की जड़ की मिट्टी किसी अंग पर लगाकर प्राणों को छोड़ने वाला सैकड़ों पापों से युक्त होते हुए भी यमराज उसको देख नहीं पाता है। राजन, वह विष्णु के समीप रहता है, यह एकदम सत्य है। तुलसी की लकड़ी के चंदन को धारण करने वाले व्यक्ति के शरीर को पाप स्पर्श नहीं करता। हे राजन, जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया हो, वहाँ श्राद्ध करना अक्षय फल को देता है, अतः वहीं पिंड देना चाहिए। हे नृपोत्तम, आंवले की छाया में जो पिंड दान करता है, उसके नरक में पड़े हुए पितर भी तृप्त हो जाते हैं। हे राजन, जो माथ में, हाथों में, देह में आंवले को धारण करता है, वह विष्णु स्वरूप हो जाता है। आंवले का फल, तुलसी और द्वारिका की रज, ये जिसके शरीर पर सदा रहती हैं, वह मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। जो आंवले तथा तुलसी दल मिले जल में स्नान करता है, उसको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते या फलों से पूजन करता है, उसे स्वर्ण, मणि और रत्नों के पूजन का फल मिलता है। तीर्थ, मुनि, देवता, यज्ञ आदि कार्तिक के महीने में तुला राशि के सूर्य होने पर आंवले के वृक्ष में रहते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और कार्तिक में आंवले को तोड़ता है, वह निंदित नरक को प्राप्त करता है। जो कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर अन्न का भोजन करता है, उसके एक वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान का पूजन करता है, उसे सब क्षेत्रों में विष्णु के पूजन का फल मिलता है। विष्णु की महिमा की भांति आंवले और तुलसी के महात्म को चतुर्दश ब्रह्मा भी नहीं कह पाते। धात्री अर्थात आंवले और तुलसी की उत्पत्ति की कथा को जो भक्ति से सुनते और सुनाते हैं, वे निष्पाप होकर अपने पुरखों समेत विमान में बैठकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इति श्री
कार्तिक मास महात्म 18वां अध्याय संपूर्ण।